हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ नीरज गुप्ता। आई होप कि आपने बैलेंस शीट का क्वेश्चन अच्छे से समझ लिया होगा और जो आगे प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए हैं वो आप खुद ही ट्राई कर रहे होंगे, और ट्राई करने के बाद ये वीडियो जस्ट कंफर्मेशन के लिए देख रहे होंगे। मैं बार बार एक ही बात बोलता हूँ ताकि आप इसी प्रोसेस को अडॉप्ट करें। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 8। एज यू कैन सी, दिस क्वेश्चन इज़ वेरी मच अवेलेबल इन योर असाइनमेंट, तो वहीं से इस क्वेश्चन को आप देखकर सेल्फ ट्राई कर रहे होंगे। और अब मैं आपको इसका सल्यूशन जो है वो यहाँ करके देता हूँ। यहाँ एक ब्लैंक फॉर्मेट मैंने इसके लिए क्रिएट किया है। सबसे पहले हम देख सकते हैं कि हमारे पास क्रेडिट बैलेंसेज में कैपिटल है 1,50,000 की, उसको मैं यहाँ ले लेता हूँ। यहाँ पर ऊपर हमने लिया था करंट लाइबिलिटीज़, तो बाद में भी उसी को ले लेंगे। अभी हम यहाँ पर ले लेते हैं कैपिटल, और कैपिटल में से आपको पता ही है ड्राइंग्स और प्रॉफिट्स वगैरह की एडजस्टमेंट रहती हैं, प्रॉफिट हो या लॉस हो ऐसे केस में भी। तो अभी मैं यहाँ पर कैपिटल की फिगर ले लेता हूँ 1,50,000। देन वी हैव ओपनिंग स्टॉक 20,000, ये इधर आ जाएगा। ट्रेडिंग अकाउंट है ये, ऊपर आप समझ रहे होंगे क्या है ये। ऊपर का हिस्सा ट्रेडिंग अकाउंट, नीचे मैं प्रॉफिट एंड लॉस बनाऊंगा। तो टू ओपनिंग स्टॉक, ये फिगर आ गई आपकी 20,000। देन वी हैव कैश एट बैंक 10,000, ये मेरी करंट एसेट्स में चला जाएगा। इधर मैं ले लूँगा करंट एसेट्स और नीचे मैं ले लूँगा फिक्स एसेट्स। तो फिलहाल आया है कैश एट बैंक 10,000, तो ये मेरी करंट एसेट का पार्ट हो गया, कैश एट बैंक, दिस फिगर इज 10,000, राइट। देन कैश इन हैंड 5,000, ये भी यहीं आ जाएगा, दिस इज कैश इन हैंड। देन वी हैव मशीनरी 1,00,000, ये मैं फिक्स एसेट्स में ले लूंगा, मशीनरी 1,00,000। और यहीं पर नीचे मेरे को नेक्स्ट आइटम भी नज़र आ रही है, फर्नीचर 13,000, इसको भी मैं ले लूँगा, फर्नीचर 13,000। देन वी हैव परचेजेस 4,00,000, आप जानते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा, टू परचेजेस 4,00,000। अरे लेकिन परचेज रिटर्न ना हो कुछ इसमें, परचेजेस वेजेस कैरेज इनवर्ट डिस्काउंट अलाउड रिसीव नहीं है, ठीक है, परचेजेस 4,00,000। देन वी हैव वेजेस, ये भी आप जानते हैं यही आएगा, सैलरीज जो है वो पी एंड एल में जाता है, वेजेस या वेजेस एंड सैलरीज जो है वो ट्रेडिंग में आता है, टू वेजेस। फिर कैरेज इनवर्ट्स, ये खर्चा ट्रेडिंग में आता है, दिस इज 43,000 कैरेज इनवर्ट्स। फोर्टी थ्री थाउजेंड देन सैलरीज 50,000, ये मेरे पी एंड एल की आइटम है, सैलरीज अरे कहाँ चला गया भाई, फिफ्टी थाउजेंड, ठीक है जी। डिस्काउंट अलाउड 4,000, ये मेरा खर्चा है पी एंड एल का, टू डिस्काउंट अलाउड है ना, इसको मैं पी एंड एल में डेबिट करूँगा, दिस इज माई एक्सपेंडिचर। एंड डिस्काउंट रिसीव्ड 5,000, ये मेरी इनकम है, इसको मैं इधर लूँगा, बाय डिस्काउंट रिसीव्ड दैट्स 5,000। देन वी हैव एडवर्टाइजिंग 50,000, करेक्ट। ऑफिस एक्सपेंसेस 40,000, ये भी दिल्ली आ जाएगा।
यहाँ मैं ले लूँगा ऑफिस एक्सपेंसेस 40,000, देन सेल्स 7 लाख, सेल्स रिटर्न तो कुछ है नहीं तो ये इधर ही ले लेंगे हम आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इसमें, बाय सेल्स 7 लाख। देन डेटर्स 90,000, ये मेरी एसेट्स में आ जाएगा, इधर करंट एसेट्स है, डेटर्स उन लोगों से जिनसे हमें पैसे लेने हैं, दिस इज 90,000। देन क्रेडिटर्स 40,000, कैपिटल के एडजस्टमेंट करके, अच्छा ये तो क्रेडिटर्स ऊपर लेना चाहिए मुझे, क्रेडिटर्स 40,000। हो गया, लास्ट में क्लोजिंग स्टॉक दिया है 50,000, एक एंट्री तो उसकी बैलेंस शीट में होगी, क्लोजिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक इज माई 50,000 और एक मेरी इसकी एडजस्टमेंट होगी ट्रेडिंग में, बाय क्लोजिंग स्टॉक दैट्स 50,000, राइट, करेक्ट, हो गई सारी एंट्रीज कंप्लीट। सो नाउ वी कैन सी दैट द क्रेडिट साइड इज मोर, सो क्रेडिट साइड तो बिना कैलकुलेटर के ही सॉल्व हो रही है, इट्स 7,50,000, राइट, आई विल राइट द सेम फिगर ऑन द डेबिट साइड, 7,50,000, और फिर 750 में से मैं माइनस करूँगा 20,000, 4 लाख, सॉरी 750 माइनस 20,000 माइनस 4 लाख माइनस 70 एंड 43, तो इट इज़ गिविंग मी अ ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ 2,17,000 बाई ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू P&L प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो दिस फिगर इज 2,17,000 और यही फिगर जो है हमारी वो यहाँ पर आपके क्रेडिट साइड पे उतर जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे, बाय ग्रॉस प्रॉफिट, राइट, इट इज 2,17,000, करेक्ट। तो अभी भी हम देख सकते हैं कि क्रेडिट साइड ही ज़्यादा है, तो 2,22,000 इसका टोटल आ गया और यही टोटल इधर आ गया। नाउ इसमें से 222 में से मैं माइनस करूँगा मेरे एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 54,000 एंड 50,000 एंड 40,000, तो 78,000 का आई कैन सी दैट देयर इज प्रॉफिट, 78,000, राइट, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट। अब हमसे गलती ना हो इसलिए हम इसको हाथ की हाथ ऐड कर देंगे, नेट प्रॉफिट 78,000, राइट, और इसको हम शो कर देंगे सीधा आप आउटर कॉलम में ही ले लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें भी, इट इज़ 150 प्लस 78,000, इट इज़ कमिंग टू 2,28,000, राइट, दैट्स इट। सो अगर मैं इसी के बेसिस पर जगह नहीं बची मेरे पास, उसको थोड़ा ऊपर करके मैनेज कर लूँगा यहाँ पर, तो मैं यहीं पर इसका टोटल ले लेता हूँ, इट इज़ 228 प्लस 40, 268, दिस इज़ माई बैलेंस शीट टोटल, एंड यहाँ पर मैं इसको थोड़ा ऊपर ले लेता हूँ ताकि एक स्पेस मेरे पास आ जाए, और एक ले लेता हूँ ऊपर, इनको अलग अलग हाईलाइट करने के लिए मैं यहाँ बोल्ड कर लेता हूँ, हम
अब मेरे पास स्पेस निकल के आ रहा है इसको लिखने के लिए, राइट। अभी मुझे पहले ऐड करके देखना है, इट इज़ 10,000 प्लस 5,000, 90, 50, 1 लाख एंड 13,000, यस 268। बैलेंस शीट मैच मीन्स माई आंसर इज करेक्ट। ठीक है, सो आई होप, देखिए ये जो क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूँ ये जस्ट एक फील देने के लिए कि बैलेंस शीट किस तरह से होती है। ऑब्वियसली जब आप कंपनीज में काम करेंगे तो उसका ह्यूज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होगा, ये नहीं कह रहा कॉम्प्लिकेटेड, बट येस रीजनेबली कॉम्प्लिकेटेड बैलेंस शीट्स होती हैं, बट एटलीस्ट हमने एक छोटे लेवल पे काम कर लिया होगा तो हमारे लिए जो कंप्यूटराइज बैलेंस शीट बन के आएगी सॉफ्टवेयर से, चाहे वो बिजी से आए या टेली से आए, तो वो हमें समझना ईजी रहेगा। सो माई सजेशन इज़ कि आगे भी जो आपको क्वेश्चन दिए, अभी एक क्वेश्चन मैं और करवा रहा हूँ आपको वीडियो में, एक और उसके बाद दो तीन क्वेश्चन लास्ट के मैं छोड़ रहा हूँ फॉर योर सेल्फ प्रैक्टिस, बट मैं फिर भी ये सजेस्ट करूँगा कि आप इन क्वेश्चन को जरूर करें। ठीक है, थैंक यू।